बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का कहना है कि इंसान का बेसिक नेचर है किसी दूसरे की मदद के बिना खुश रहना, और हम जो भी करते हैं सिर्फ खुशियों को पाने के लिए ही करते हैं। यही बात धार्मिक नेता बिशप डेसमंड टूटू भी कहते हैं, और ऐसा ही कुछ दुनिया के बाकी महान लोग भी कहते हैं। मेरे लिए इस बात को ना करना मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि मेरे पहले चैनल का नाम ही है सक्सेस एंड हैप्पीनेस। अब अगर आप सवाल करते हैं कि खुश रहने के लिए किन चीज़ों की जरूरत है, तो सबसे पहली जरूरत है पैसा, और दूसरी जरूरत है लाइफ के लिए आपका नजरिया। पैसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपकी जेब खाली है तो आपका पेट भी खाली रहेगा, और खाली पेट भजन नहीं होता तो खुशियाँ कैसे मिलेंगी। बात करें आपके नजरिए की, तो उसमें आपको ये बदलना है कि आप हर मौके को जॉय के साथ जीना शुरू करिए, हर मौके को एंजॉय करिए। और अगर आप ये कहने वाले हैं कि हमें ऐसे मौके नहीं मिलते, तो ये झूठ होगा, क्योंकि आपको मौके तो मिलते हैं लेकिन आप उनको एंजॉय नहीं करते। चलिए आप बताइए कि जब आप गर्मी में बाहर से आकर एक ग्लास ठंडा पानी पीते हैं, तो सोचिए कितना खूबसूरत अनुभव होता है। क्या आप उस एक्सपीरियंस को एक सेकेंड के लिए भी इंजॉय करते हैं? जब आपको भूख लगी हो और आप खाना खाने बैठते हैं, तो कितना सुकून मिलता है। लेकिन क्या आप इस सुकून के अनुभव को एक सेकेंड के लिए भी इंजॉय करते हैं? जब आप दिन भर के काम की थकान के बाद पसीने से मुक्ति के लिए शाम को ठंडे पानी से नहाते हैं, तो कितनी ताजगी का अनुभव होता है। क्या आप इस ताजगी के अनुभव को एंजॉय करते हैं? जब आपके पेट में गैस बनी होती है और आप पूं करते हुए उस गैस को कहीं अकेले में निकाल देते हैं, तो कितना हल्कापन लगता है। क्या आप उस अनुभव को एंजॉय करते हैं? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ऐसे जाने कितने मौके होते हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप एंजॉय करते नहीं, और इसीलिए आपकी लाइफ में खुशियां कम होती हैं, शिकायत ज़्यादा होती है, और जॉय तो होता ही नहीं है। आज मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कोशिश करिए लाइफ की इन छोटी छोटी खुशियों को, जॉय को एंजॉय करने की। ज़्यादा नहीं, हर अनुभव को सिर्फ 2 सेकंड के लिए एंजॉय करके देखिएगा, और शाम होते होते आप खुशियों से झूमने लगेंगे। और यही आज का 1 मिनट विजडम है। विजडम अच्छा लगा तो सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।